वेलकम फ्रेंड्स, माउंट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ टूल हिस्ट्री कार्ड के बारे में। दोस्तों, ये फॉर्मेट बहुत ही यूजफुल है। आपको कौन सा भी कंज्यूमेबल हो, टूल हो या पिक्चर्स हो या गेजेस हो या मोल्डिंग का टूल हो, सभी के लिए आप ये हिस्ट्री कार्ड यूज कर सकते हो। दोस्तों, इस फॉर्मेट में आप डेट वाइज डेटा या प्रोडक्शन का डेटा फिल कर सकते हो और आप ऑटोमेटिकली आपको सर्विसिंग के लिए आपका टूल कब ड्यू हो चुका है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आपके टूल की लाइफ कब खत्म हो चुकी है और या होने वाली है, आपको यह शो हो जाएगा। तो ये फॉर्मलाइज शीट है, आप इसे अपनी कंपनी में यूज कर सकते हो। ये शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड की है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मेट के क्या क्या फीचर्स है। पहले तो फॉर्मेट को समझ लीजिए। या आपको कंपनी का नेम एंटर करना है, आप जिस भी टूल या फीचर्स का हिस्ट्री कार्ड आप प्रिपेयर करना चाहते हो, या आपको या सिंपली नेम, सिंपली वो डेटा कौन सा हिस्ट्री कार्ड है आपको एंटर करना है, या हिस्ट्री कार्ड नंबर रहेगा या पार्ट नंबर रहेगा, कौन सा पार्ट के लिए आप वो टूल या फीचर यूज होता है उसका पार्ट नंबर रहेगा, या आईडी रहेगा, आईडी नंबर्स या डिस्क्रिप्शन रहेगा उस टूल का, या पार्ट नेम रहेगा, या कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं या ऑपरेशन नेम रहेगा। या अभी दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि टूल की लाइफ क्वांटिटी कितनी है, आपको यह मेंशन करनी है, और कितने पार्ट के बाद आपको सर्विसिंग करनी है, आपको यह मेंशन करना है। ये दोनों क्वांटिटी के हिसाब से ही आपका कलर कोडिंग होने वाला है, या टूल का स्टेटस शो हो जाएगा, अंडर सर्विस है या नॉट यूजेबल, ऐसा आपको दो स्टेटस मिल जाएगा। अब टूल स्टेटस के बाद हम यहाँ देखेंगे कि नीचे आपको कैसा कैसा डेटा फिलअप करना है। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि यह सीरियल नंबर है, यह डेट है। अभी यह डेट में भी आप देख सकते हैं, यह डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है। अगर आप गलती से यहाँ कुछ लेटर टाइप करते हो या कुछ भी फॉर्मेट गलत एंटर करते हो और एंटर करते हो, तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू लेता ही नहीं, ये एरर आपको यह एरर शो जाएगा कि आपको डेट कैसी एंटर करनी है, किस फॉर्मेट में एंटर करनी है। तो इसलिए यह मिस्टेक प्रूफिंग वर्क होने वाला है। या शिफ्ट में भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट देख सकते हैं कि यहाँ भी गलत आप एंटर नहीं कर सकते हो, या मशीन नंबर एंटर करना है, या क्वांटिटी प्रोड्यूस आपको मेंशन करना है। अभी क्वांटिटी प्रोड्यूस में भी अगर आप गलती से कुछ लेटर एंटर करते हो और देख सकते हो कि यहाँ आपको एरर शो हो जाएगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही एंटर करें। इस तरह से डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है कि आप कुछ गलत वैल्यू फीड कर ही नहीं सकते। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रोडक्शन क्वांटिटी एंटर नहीं किए, तो यहाँ सीरियल नंबर नहीं शो होगा। जब आप प्रोडक्शन क्वांटिटी एंटर करोगे, तभी सीरियल नंबर यहाँ शो हो जाएगा। तो ये क्योंकि सीरियल नंबर से ही आप टूल स्टेटस जो उनकी लिंकिंग है, इसलिए वो फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि सेटिंग फॉर्मेटिंग की सेटिंग के लिए यह टेबल शो किया है। अभी जो सेल्स है इन कम्युनिटी क्वांटिटी का, लास्ट सर्विसिंग का जो डेटा है प्रोडक्शन का, इस कॉलम में शो हो जाएगा। और परचेस, जब टूल परचेस किया है उस टाइम से यह कम्युनिटी क्वांटिटी आपको यह शो हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो कि यह ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग आप समझ लीजिए कि अगर इस सेल में अगर रेड कलर हो, तो उसका मीनिंग है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी सर्विसिंग फ्रीक्वेंसी से एक्सीड हो चुकी है। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन क्वांटिटी हमने, जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन क्वांटिटी मेंशन करेंगे, तब वो सेल रेड हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, या 26 तारीख का या प्रोडक्शन अगर मैं अपडेट करता हूँ, ये देखिए, अगर मैं ऐसा मेंशन करता हूँ कि 2050 पार्ट्स मैंने प्रोड्यूस किए, तो
मीन्स हमने क्या किया है, सर्विसिंग फ्रिक्वेंसी 2000 सेट की है और हमने प्रोड्यूस किया है 2050, इसलिए यहाँ रेड सेल रेड हो चुका है और यहाँ शो हो चुका है कि नॉट यूजेबल। इस तरह से आपको ये इंटीमेशन मिलने वाला है कि आपका टूल आपने सर्विसिंग की ही नहीं और आप टूल यूज़ कर रहे हो। अभी समझो क्या 800 क्वांटिटी हमने 800 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, अभी यही येलो शो हो रहा है। अभी येलो शो हो रहा है मतलब अभी ये टूल अंडर सर्विस है, पर येलो का मतलब है कि आपका टूल जल्द ही सर्विसिंग के लिए ड्यू है, क्योंकि आपने यहाँ सेट करा है कि व्हेन क्वांटिटी एक्सीड्स सिलेक्टेड परसेंटेज ऑफ सर्विसिंग फ्रीक्वेंसी, जब हमारे सर्विसिंग फ्रीक्वेंसी की जो क्वांटिटी है उसे 85% रीच हो जाएगा या उससे एक्सीड हो जाएगा तो वो सेल येलो हो जाएगा। इस तरह से अभी क्या करना है दोस्तों कि जब येलो हो जाएगा तब आपको सर्विसिंग के लिए टूल देना है, सर्विसिंग के लिए टूल देना है और आपको सर्विसिंग करके लेनी है। जब आप सर्विसिंग करके लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह ग्रीन हो चुका है और क्वांटिटी भी रिसेट हो जाएगी, क्योंकि जब आप डन बोल के मेंशन करेंगे उस दिन का ही प्रोडक्शन क्वांटिटी यह आपको शो हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो येलो कलर है मीन्स आपको टूल सर्विसिंग को देना है। तो आप क्या करेंगे कि अगर यह टूल सर्विसिंग को हम देंगे 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को हम सर्विसिंग को टूल देना है, तो आपको क्या करना है 7 तारीख यहाँ एंटर करनी है और यहाँ डन बोल के मेंशन करना है, ठीक है। आप जब यहाँ डन मेंशन करोगे और यहाँ प्रोडक्शन क्वांटिटी एंटर करोगे तो सिर्फ यहाँ की ही प्रोडक्शन क्वांटिटी आपको यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ शिफ्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मशीन एंटर करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ हमने सर्विसिंग, समझो यहाँ हमने 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, सर्विसिंग के बाद हमने 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी, यहाँ सिर्फ 200 क्वांटिटी यहाँ शो हो जाएंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने टूल की लाइफ सेट की है 8000, तो आप लाइफ का भी देख सकते हैं कि जब लाइफ एक्सीड हो जाएगी तब वो सेल रेड हो जाएगा। जब लाइफ टूल की लाइफ है 8000 और 85% के ऊपर वो रीच हो जाता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर 85% से रीच या एक्सीड हो जाते हैं तब वो येलो हो जाएगा। अभी देख सकते हैं कि ये क्यूमुलेटिव क्वांटिटी फ्रॉम परचेसिंग का जो प्रोडक्शन क्वांटिटी का डेटा है यहाँ अभी येलो कलर शो हो रहा है, मींस क्या हुआ है कि हमारे टूल की लाइफ खत्म होने वाली है, ये आपको इंटीमेशन है। तो ये बहुत ही स्मार्ट वर्क करेगा ऐसा, आपको जल्दी से इंटीमेशन होगा और आप प्लान कर सकेंगे कि नया टूल हमें कब प्रोक्योर करना है। इस तरह से दोस्तों ये शीट आपके वर्क में बहुत ही स्मार्ट होने वाले हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक्सेल शीट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए और आपके वर्क में यूज करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ एक बटन दिया है क्लिक टू प्रोटेक्ट शीट। अभी दोस्तों अगर आपको कुछ शीट में चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हो, तो पहले तो आप राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट करके लीजिए, और आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंज कर सकते हो, और सिंपली आपका वर्क होने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपने ये शीट को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि आप जब शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तब आपके फॉर्मूले जो है वो लॉक रहेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको बटन पे क्लिक करना है और शीट वो लॉक रहेंगे, क्योंकि इसको फॉर्मूले का अगर कोई डिलीट करना चाहे भी तो डिलीट नहीं कर सकेगा, ठीक है। दोस्तों आप अनलिमिटेड डेटा इस शीट में फिल कर सकते हो, जब आप शीट का ऐसा डेटा जब हम यहाँ मैंने ये 500 रो तक मैंने ये फॉर्मेट एक्सटेंड किया है, आप इसके नीचे भी आप शीट को एक्सटेंड कर सकते हो, आपको सिंपली इस शीट को यहाँ से ड्रैग करना है नीचे, तो आप ऑटोमेटिकली सब फॉर्मूलेस नीचे आ जाएंगे, सिर्फ आपको शीट को अनप्रोटेक्ट करके वो शीट को एक्सटेंड करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही
स्मार्ट टेम्पलेट्स आपको यहाँ सीखने मिलेंगे और यूज़ करने मिलेंगी। थैंक यू।